दोस्तों, मैं सचिन कासियन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एस कासियन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जो एसएससी चंडीगढ़ में जो जीपीटी पद के लिए भर्तियां निकली थी, 418 पदों पे जो भर्तियां निकली थी, तो दोस्तों उनमें जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हो गए थे, तो उनके लिए एक आज गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ इस प्रकार है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले एक लिस्ट आई थी, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसमें दो तरह के कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था। एक वो कैंडिडेट थे जिन्होंने 2016 या 2016 से पहले का सीटेट क्वालिफाई कर रखा है, और दूसरे वो कैंडिडेट थे जिन्होंने 2018 का सीटेट को क्वालिफाई कर रखा है। इस तरह से दो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे उसमें। तो दोस्तों, जो वो थोड़े दिन पहले लिस्ट आई थी, उसमें जो 2016 से पहले के कैंडिडेट थे, तो वो तो एलिजिबल थे, उस लिस्ट में साफ लिख रखा था। लेकिन जो अभ्यर्थी 2018 में जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई करा है, तो उनके स्टेटस में ये लिख रखा था कि इनका फैसला जब किया जाएगा, जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा, कोर्ट का फैसले के बाद ही पता चलेगा कि ये कैंडिडेट एलिजिबल हैं या फिर ये कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। जैसे भी कोर्ट का फैसला आएगा, तो वैसा ही कार्यवाही होगी। तो इस तरह से दोस्तों, जो कैंडिडेट एलिजिबल थे, मतलब कि जो कैंडिडेट 2016 या फिर 2016 से पहले का जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई कर रखा था, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है दोस्तों। तो गुड न्यूज़ इस प्रकार है दोस्तों, उनके लिए ये नोटिस आया है, ऑफर लेटर जारी कर दिए गए उनके लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी नोटिस ही। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ ही बता दूंगा कि मतलब आपको कहाँ जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, और जगह कौन सी है, क्या क्या लेके जाना है, कब जाना है, कितने बजे जाना है, किस डेट को जाना है, ठीक है। इस तरह की सभी सामान्य जानकारी मैं दे दूंगा। और बाकी दोस्तों, जो अभ्यर्थी वो हैं जो जिनका लिस्ट में तो नाम था, लेकिन जो 2018 वाले कैंडिडेट थे जिन्होंने 2018 में सीटेट क्वालिफाई करा था, तो उनका ये लिख रखा था कि जो भी कोर्ट का फैसला आएगा उसी के मुताबिक बताया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज 20 तारीख है और आज ही कोर्ट का फैसला आएगा। तो दोस्तों, आज कोर्ट का फैसला क्या आएगा, क्या उसकी डेट बढ़ा दी जाएगी, कुछ भी अपडेट होगा कोर्ट से संबंधित, तो दोस्तों आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप हमारे एस कासियन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिन अभ्यर्थियों के लिए ऑफर लेटर जारी किए गए हैं, वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही उनके लिए भी कोई अपडेट आएगा, तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये इधर की साइड आपका नोटिस दिखा रखा है कि नोटिस रिगार्डिंग इशू ऑफ ऑफर लेटर, ठीक है। तो सिंपल इसे डाउनलोड कर लेना है। अब इधर देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा था, तो इसलिए आपके लिए मैंने इधर दिखा दिया डाउनलोड करके। और दोस्तों, जो ये नोटिफिकेशन है, ये आपके फ़ोन में नहीं खुलेगा, ये केवल आपके कंप्यूटर या फिर आपके लैपटॉप में खुलेगा, क्योंकि ये वर्ड फॉर्मेट में। तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, मैं इसे PDF में कन्वर्ट करके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो अभ्यर्थी मोबाइल में चला रहे हैं। बाकी जो डेस्कटॉप पे चला रहे हैं या कंप्यूटर पे चला रहे हैं, वो तो यहाँ से सिंपल तरीके से डाउनलोड कर ही सकते हैं। बाकी डाउनलोड दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये वही NITRR की इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे जाना कैसे है वो आपको पता होगा, लेकिन नहीं पता तो मैं सिंपल है इसका, यहाँ पे आपको लिखना है गूगल पे NITRR पोर्टल लिखना है, और इस पे इस तरह से गूगल पे सर्च करना है, आपको स्टार्टिंग में एक लिंक दिख जाएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल का, ठीक है। तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, तो ये देखिए इधर की साइड आपको ये जो लोगो दिखेगा, इनके इस पे क्लिक कर देना है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। इधर की साइड दो ऑप्शन दिखेंगे, जूनियर और ये TGT के लिए, और ये बेसिक वो GBT के लिए, ठीक है। तो GBT वाले पे आपको क्लिक करना है। तो ये देखिए दोस्तों, हम इसी पेज पर पहुंच चुके हैं जिस पेज पे हैं। तो ठीक है, इस पे कुछ नहीं, वो सिंपल है, इधर की साइड आप देख सकते हैं ये ऑफर लेटर है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों को नहीं पता कि उनका लिस्ट में नाम आया नहीं आया, तो इधर से वो चेक कर सकते हैं। बाकी जो ECM एंड PW कैटेगरी के, वो इधर से चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने जो नोटिफिकेशन डाउनलोड करा है, उसको ओपन करके देख लेते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमने नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है। इसमें सिंपल है, ये समग्र शिक्षा UT चंडीगढ़ की तरफ से ये, तो ये आपके ऑफर लेटर के रिकॉर्डिंग है। तो इधर देख सकते हैं दोस्तों आप, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो स्टूडेंट केवल एलिजिबल है, ठीक है, जिनके स्टेटस पे जो मेरिट लिस्ट है, आपके नाम क्या स्टेटस में एलिजिबल लिखा है, तो दोस्तों आप फिर एलिजिबल हैं इसके लिए, ठीक है। बाकी अगर आपके स्टेटस में ये लिखा है कि जैसे भी कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद ही आपको बताया जाएगा, तो फिर आप फिलहाल के लिए एलिजिबल नहीं है दोस्तों, तो आगे आप कोर्ट के फैसले का इंतजार करोगे। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनके लिए इस प्रकार है, इधर देख सकते हैं, जो जनरल कैंडिडेट हैं और जो ECM कैटेगरी के हैं और जो PWD कैटेगरी के हैं, उन्हें जाना पड़ेगा दोस्तों 21/5/2019 को, मंगलवार को जाना है, ठीक है। 9 सुबह 9:30 बजे से लेके शाम के 3 बजे तक, मतलब दोपहर या शाम कितना भी बोलो, ठीक है, 3 बजे तक आपका जो भी बुलाया, ठीक है, वेरिफिकेशन चलेगी। और बाकी जो OBC और SC कैंडिडेट हैं उनको जाना है 22 तारीख को, मई में 22/5/2019 वेनसडे, इन्हें एक दिन पहले जाना है, इन्हें एक दिन बाद जाना है, ठीक है। तो इनका भी वही सेम टाइम है, सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक होगा इनका जो भी होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप सुबह 9:30 बजे पहुँचने की कोशिश करना। तो आगे देख लेते हैं कि आपको जाना कहाँ है, तो इसमें ये भी बता रखा है दोस्तों, ठीक है। तो जाने के लिए आपको इधर एड्रेस दिख सकता है, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 18 चंडीगढ़। तो सेक्टर 18 में ये स्कूल है, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। तो आपको इसमें जाना है। तो ये सभी सामान्य जानकारी मैंने आपको दे दी है। बाकी आपको क्या क्या कैरी करके ले जाना है दोस्तों, तो इसमें देखो लिख रखे कि आपको 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जानी है,
और दोस्तों मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहूँगा कि ना आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लेके जाना, ठीक है। क्या पता कौन से डॉक्यूमेंट्स की कब ज़रूरत पड़ जाए, और उन डॉक्यूमेंट्स की एक या दो जीरोक्स जरूर करके ले जाना, जिसे हम फोटोकॉपी बोलते हैं, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी एक सेट या दो सेट आप फोटोकॉपी भी करा के ले जा सकते हैं। एक तो जरूरी करा के ले जाना, क्या पता कहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए पहले से तैयारी करके चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बस दोस्तों बाकी चार पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना, और बाकी पेन वैन कैरी करके ले जाना, और कोशिश करना कि आप 9:30 बजे तक पहुँच जाएँ। तो दोस्तों बाकी जो वो कैंडिडेट है जिनका 2018 में क्वालिफाई करा है जिन्होंने सीटेट, ठीक है, जो अटके पड़े कोर्ट केस के चक्कर में, तो आज उनका फैसला आना है। तो बाकी आपको छोटी छोटी अपडेट दे दी जाएगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उन अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई जो एलिजिबल हैं, मतलब जिनके लिए ऑफर लेटर जारी किया गया है, उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस दोस्तों ये छोटा सा अपडेट था आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे फेसबुक पे करें, व्हाट्सअप पे करें, इंस्टाग्राम पे करें, जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें टाइम काफ़ी कम दिया गया है, जनरल ECM और PWD कैटेगरी के लिए केवल एक दिन है, और SC OBC ST कैटेगरी के लिए भी केवल एक दिन है। तो अगर आप इसे शेयर करेंगे इस वीडियो को, तो दोस्तों इससे ये फायदा होगा कि कहीं कोई कैंडिडेट ना छूट जाए, आप ही की तरह कोई अभ्यर्थी होगा अगर वो एलिजिबल है, और फिर उसे मान के चलो अगर ये न्यूज़ ना पहुंच पाए उस तक, तो फिर उसे तो काफ़ी समस्या देखने को मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टीचिंग से संबंधित इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।